चलिए सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचे, ये सिविल डिफेंस के सभी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं और इन्होंने पूरा हंगामा कर रखा है कि हमें इंसाफ चाहिए, उस टीचर को पकड़ो जिसने हमारे को थप्पड़ मारा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली के नरेला क्षेत्र से दिखा रहे हैं। ये राजकीय प्रतिभा विद्यालय है, इसको कोविड मैं आपको बता दूँ वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया था कोविड-19 के रूम में। और आप देख सकते हैं अभी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और देखिए गेट जो है वो नहीं खोला जा रहा था लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो समझाया जा रहा है कि हम अंदर जा रहे हैं और टीचर से पूछताछ करेंगे। ये देखिए सभी अंदर जा रही है और अभी गेट को खोला नहीं जा रहा है, दिल्ली पुलिस को भी बाहर जो है वो कर दिया है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से अभी पुलिस को भी अंदर जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो घुसने नहीं दिया जा रहा है। सर हम तो ऑन ड्यूटी पर फिर भी हमें अंदर सर हमें सुबह धक्का मार के भगाया गया और अभी हम अंदर जा रहे हैं बात करने के लिए तो हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देखिए दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लगातार समझा रहे हैं, लगातार गेट खुलवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है लेकिन गेट जो है वो अभी तक खोला नहीं गया है। अंदर से ये देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को नरेला से दिखा रहे हैं। आदमी अंदर से सारे के सारे देख रहे हैं लेकिन कोई सा भी गेट नहीं खोला, प्रिंसिपल सामने खड़ा हुआ है लेकिन वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, दिल्ली पुलिस वालों के भी नहीं सुन रहे हैं वो और हमारी तो सुनते ही नहीं। हमें तो सुबह धक्का मार के भगाया गया है, मार पीट के और गाली दे के ही भगाया है और गर्ल्स पे अत्याचार कर रहे हैं ये और कहते हैं कि जो करना कर लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। और हम अपने ICD सर के बार बार दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो खटखट किया जा रहा है गेट को खुलवाने के लिए जो है वो बोला जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो गेट नहीं खोला जा रहा है। लेकिन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों कहना है कि हम भी आपके साथ अंदर जाएंगे और जो भी टीचर होगा उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए लेकिन फिलहाल स्कूल प्रशासन की तरफ से जो गेट है वो बंद कर रखा है। आदि भैया हमारे को हटा के दूसरी CD भी अभी ऑन ड्यूटी पे है और हम बाहर कुत्ते की तरह भटक रहे हैं सुबह से उधर उधर, कभी SDM भी जा रहे हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा, बोल रहा है तुम घर बैठो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बताओ सर अब हम कहाँ जाए, हम क्या कर सकते हैं, हम इतने कोरोना योद्धा में हमने हेल्प डेस्क में मैंने 5 दिन लगातार कॉलिंग पे बात की 8 घंटा कंटिन्यू, मेरा कान अभी भी सूझा पड़ा है फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को जहाँ मर सैलरी टाइम पे मिलती है कुछ नहीं सर, अभी तक मेरा 1 रुपये नहीं आया, 1 रुपये आ जाता तो कोई बात थी, अभी तक 1 रुपये नहीं आया सर और सिलेंडर तक हमने उठाया सर, जब मर्जी वो हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं कहते नहीं चलो वहाँ पे से सिलेंडर लाना। बिल्कुल काम भी करे और पिटे भी, ये दोनों काम हो रखे हैं, काम भी फ्री में करे और पिटे भी। और अभी दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी हम इंसाफ दिलाएंगे और लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन के द्वारा गेट नहीं खोला जा रहा है, दिल्ली पुलिस भी बाहर खड़ी है। ये देख सकते हैं मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, अभी जो दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर राजकीय प्रतिभा स्कूल के पास जो है वो पहुंची है और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। फिलहाल जो गेट है वो नहीं खोला जा रहा है, सीधी तस्वीरें लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि अंदर टीचर ने जो है वो इस कर्मचारी को एक लड़की को जो है वो सिविल डिफेंस की कर्मचारी थी उसको थप्पड़ मारा गया था जिसके चलते ये पूरा का पूरा हंगामा जो है वो किया गया है। फिलहाल स्कूल प्रशासन से बार बार विनती की जा रही है कि आप गेट खोलिए हमें अंदर जाना लेकिन गेट नहीं खोला जा रहा, क्यों नहीं जाना जा रहा है, हमारी गलती नहीं है तो क्यों नहीं जाना दे रहे, गलती कुछ नहीं करी तो क्यों नहीं बुला रहे अंदर। और सर हमें अंदर जाके उनसे मिलना, जो ने हमारा फेक जो लिस्ट बनाया था हम उससे मिलना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं कि भाई आपको परमिशन कहाँ से मिली थी और किसने दी थी, हम ये चीज जानना चाहते हैं सर। मैं आपको बता दूं इनका एक ग्रुप था सिविल डिफेंस का, उसमें एक मैं आपको बता दूं एक पूरा जो है वो एक पूरा का पूरा एक मैसेज टाइप किया गया और उस टाइप में बता दिया गया कि आपको स्कूल में कल जो है वो रिपोर्ट देनी है और ये सारे पहुंच गए लेकिन स्कूल वालों की तरफ से इनको साफ तौर पर मना कर दिया कि आपकी यहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं, आप बाहर निकल जाइए और इनको धक्के मार के जो है वो निकाल दिया। अभी ये देख सकते हैं गेट खुलवाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, प्रशासन से गुहार की, धीरे धीरे बात कर रहे हैं आपस में ये लोग, पता नहीं क्या बात करें कि क्या करना है लेकिन गेट नहीं खोल रहे अभी तक। कुछ स्कूल के टीचर्स जो है वो भी बाहर आए हैं, वो भी बाहर आए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार समझा रही है, देख सकते हैं सर चार जने चल रहे हैं। सुनो 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 एक जी लड़की का थप्पड़ मार चलेगी,
क्या बात है बात में और नहीं जाएगा। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के कर्मचारी द्वारा जो है वो कुछ जिसको थप्पड़ मारा गया था और जिसने बीच बचाव किया था और जिसको बाहर निकाला जा रहा था उनके साथ जो है वो लेके जाया जा रहा है अंदर, उनके लिए जो है वो परमिशन करवाई है लेकिन उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी भी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा अंदर नहीं, लेकिन अब अंदर जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही है, देखिए किस तरीके से राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय में जो है एक टीचर ने सिविल डिफेंस के कर्मचारी को थप्पड़ मारा और उसी बात को लेकर पूरा हंगामा जो है वो कर दिया गया। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद क्या कार्यवाही की जाएगी, क्या नहीं होगी, क्या इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा वो अभी अंदर, अभी दिल्ली पुलिस अंदर गई है। यस सर अभी गई है। आपके कुछ बंदों को लेकर भी गई है ना? हाँ सर, हमारे कुछ बंदों को अंदर ही लेके गई है, वो भी सर रिक्वेस्ट करने के बाद लेके गए हैं। हमने तो बोला है हमें अंदर जाने दो, उनसे बात करने दो। क्या लगता है इंसान मिलेगा, इंसान मिलेगा क्या लगता है? लगता है आपस में लोग बात कर लेंगे, हमें कोई इंसान नहीं मिलेगा सर। मुझे उम्मीद है कोई इंसाफ नहीं दिला चुके ये लोग, सारी इनकी मिली भगत है सर, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इन सबकी मिली भगत है। ये सारे लोग करवा रहे हैं मिलके, जितने हैं सारे मिली हैं, हमारा कोई इंसाफ करने वाला है आपस में जाके अंदर बात कर लेंगे और हमें आके बता देंगे चलो जाओ ये वो कर देंगे। हम मुझे कोई इंसाफ नहीं, हमें पता है कि सर हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। चलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो अंदर पहुंच चुकी है और लगातार बात करने के लिए अंदर गई है कि क्या पूरा कारण था, क्या हुआ था, क्या वाकई में थप्पड़ मारा था, क्या हुआ था, ये पूरी जो है इंक्वायरी होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो दिल्ली पुलिस और जिसको थप्पड़ मारा गया था वो स्कूल के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरों के द्वारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय होगा कि क्या पूरी कहानी थी और क्या जो दिल्ली पुलिस के अभी आकर छानबीन करेंगे कि क्या पूरी कहानी हुई थी और किस तरीके से इनको क्यों थप्पड़ मारा गया, मारा भी था या नहीं मारा था, ये अभी जांच का विषय है। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।